नमस्कार, टीवी 9 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभम गुप्ता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार कौन वो नेता होगा, या कोई ऐसा नेता कांग्रेस के पास है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह ले सके। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्लैमर हमने देखा है 2018 के चुनाव में, जिस तरह से 150 से ज़्यादा उन्होंने सभाएं की और जनसमूह उनकी सभाओं में आता था। इस बात से उस समय जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस नेता भी जमकर उनकी तारीफ करते थे और हर नेता ये चाहता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक सभा उनके विधानसभा क्षेत्र में भी हो जाए, क्योंकि जनसमूह वहाँ पर दिखाई देता था, खुद से लोग आते थे, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, मगर अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल हुआ कि अब ऐसा कोई नेता है जो उनकी जगह ले सके या उस तरह की भीड़ उसकी सभाओं में हमें नज़र आए। तो अब एक नाम कहीं ना कहीं निकल कर आया है, जीतू पटवारी का नाम सामने आया है और हम देख रहे हैं कि पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें कई जिम्मेदारियां भी दी हैं। हाल ही में जो कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति है उसका सहसचिव भी बनाया है, अब वो भी इसे देखेंगे। यानी कि 2018 में चुनाव अभियान समिति जो थी उसकी पूरी तरह से कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में थी और कांग्रेस की जो जन आक्रोश रैली चल रही है उसमें भी जीतू पटवारी को जगह मिली है। 1800 किलोमीटर की वो भी यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा कई और भी नेता हैं जो इस रैली का हिस्सा हैं, अलग अलग जगह से निकाल रहे हैं, मगर जिस तरह की तस्वीरें जीतू पटवारी की उन सभाओं से देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफ़ी खुश भी कर रही होगी। हालांकि कई कांग्रेस के नेता ऐसे भी होंगे जिन्हें वो दुखी भी कर रही होगी, क्योंकि ये एक ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर मंदसौर का वो किसान गोलीकांड हो, जब बाइक पर बैठाकर जीतू पटवारी राहुल गांधी को ले गए थे, और भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने देखा कि किस तरह से साइकिल पर, बुलेट पर राहुल गांधी जीतू पटवारी के साथ नज़र आए थे। मगर कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख रहा है कि कौन सा ऐसा नेता है जिसके साथ जनसमूह जुड़ रहा है, और कांग्रेस इस बात को अब समझ भी रही है और यही कारण है कि अलग अलग कमेटीज़ में जगह मिल रही है। जीतू पटवारी को भी एक तरह से आगे प्रमोट किया जा रहा है जन आक्रोश रैली के ज़रिए, उन्हें जिम्मेदारी दी है अलग अलग विधानसभाओं में जाओ। और सबसे बड़ी बात, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें बता रही है कि कहीं ना कहीं पब्लिक कनेक्ट और जीतू पटवारी से भी हो रही है, और कांग्रेस के लिए ये अच्छी भी बात है क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं। हम देखते हैं दिग्विजय सिंह ज़्यादा सभाएं नहीं करते हैं, 2018 में भी वो सिर्फ़ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ थे और इस बार भी जन आक्रोश रैली में भी उनकी तस्वीर नहीं है, पोस्टर से गायब है। कमलनाथ जी का अपना एक अलग तरीका है काम करने का, उन्हें हम देखते हैं वो एक जनसभा करते हैं और उस तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या अन्य नेता प्रचार प्रसार करते हैं उस तरह की चीज़ें कमलनाथ के उन दौरों में नज़र नहीं आती है। उनके उस प्रचार प्रसार का तरीका अपना अलग है, वो कहते हैं कि ये 2023 का मॉडल है, 2018 का नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो अब प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ हो रहा है। प्रियंका गांधी भी 5 तारीख को मध्य प्रदेश में आएगी और ये जो जन आक्रोश रैली कांग्रेस की चल रही है इसका समापन धार जिले में ही किया जाएगा। तो प्रचार प्रसार के लिए एक नया चेहरा कांग्रेस को ज़रूर मिला है। मालवा निमाड़ में जीतू पटवारी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, 65-66 सीटें यहाँ से आती है, और अगर इसी तरह से प्रचार प्रसार होता है तो इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को ज़रूर मिलेगा। मगर सबसे बड़ा जो सवाल था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कोई ऐसा नेता है जो उनकी जगह कांग्रेस में ले सके, तो अब धीरे धीरे भी कांग्रेस अपने नेताओं को तराश रही है, पहचान रही है, और यही कारण है कि अब उन्हें उस तरह की जगह भी पार्टी में मिल रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।